दिव्यांग एकता और कल्याण मंच के बैनर तले दिव्यांग का हुआ कार्यक्रम। दिव्यांग शिक्षक द्वारा लिखी दिव्य सफलता की कहानियां पुस्तक का प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल के साथ आनंद कारज भवन में विमोचन किया गया। दरअसल दिव्यांग एकता और कल्याण मंच के अध्यक्ष हिम्मत सिंह तवर ने स्थानीय आनंद कारज भवन में दिव्यांग का कार्यक्रम किया व दिव्य सफलता की कहानी की पुस्तक विमोचन की है। दिव्यांग शिक्षक ने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में भी हिम्मत के साथ खड़े रहकर सफलता प्राप्त करने एवं दिव्य सफलता की कहानियां पुस्तक लिख लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया है। वहीं प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल से जिले में भी 40% दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाने की सुविधा की मांग कर उन्हें ज्ञापन दिया गया है। इस अवसर पर DPC संजय सिंह तोमर ने बताया कि वर्तमान में जिला अस्पताल में दिव्यांग प्रमाण पत्र की स्थायी व्यवस्था नहीं है। दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए दिव्यांगी को इंदौर जाना पड़ता है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल ने दिव्य सफलता की कहानी लिखने वाली शिक्षक का सम्मान किया है। सर, मैं हिम्मत सिंह तंवर, दिव्यांग कल्याण एवं विकास परिषद कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज क्या आयोजन किया गया है? आज हमारे एक दिव्यांग साथी थे जो शिक्षक हैं, श्री चतर सिंह जी गहलोत, उनने एक पुस्तक लिखी थी जो कि दिव्य सफलता की कहानियों पे, इसमें हमारे दिव्या चंद्र की किताब लिखी हुई, उसको परिचय डाला है, तो उसमें इसमें कार्यक्रम रखा गया था दिव्यांग कल्याण विकास परिषद की ओर से। क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? हमारे अभी क्या है कि दिव्यांग साथियों के लिए तो सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। जिले में भी क्या है कि मध्य प्रदेश शासन ने एक दिन रखा है जिले में सर्टिफिकेट बनाने में, मंगलवार का दिन निश्चित किया है। उस दिन क्या है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हमारे, वो उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो हमारे दिव्यांग काफ़ी दूर से आते हैं, जो गांव खेड़े से आते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। तो उस चीज़ के लिए अभी हमने माननीय हमारे सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री प्रेम सिंह जी पटेल को अवगत कराया है। मंत्री महोदय ने बोला है कि अति शीघ्र आपकी ये समस्या भी हल हो। स्कूल करवा के करने के लिए मैं आश्वासन भी दिया हूँ और मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात भी की है और मिलवाऊंगा, जो भी समस्या होगी उसको हल करूँगा। क्या कहेंगे पुस्तक विमोचन को लेकर? देखो, एक ऐतिहासिक लिखी है ये जैसी बात नहीं, जो भी कहानियाँ लिखी है, जिस जो भी व्यक्ति पढ़ेगा उसको लगेगा कि एक जिस प्रकार से हमारे छत्र सिंह भाई गहलोत ने लिखी है, बहुत हर व्यक्ति की जीवन के बारे में लिखी है। मैं छत्र सिंह भाई को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देखो वनवास काट रहे हैं, वनवास काटते काटते जिस व्यक्ति ने जो किताब लिखी है इसको जो लोग पढ़ेंगे तो उसको सबको समझ में आएगा कि जिस प्रकार से पैदा होते से मरते तक की चीज़ें याद आई। दिव्यांग अधिकार अधिनियम जमीनी स्तर पर क्यों नहीं, कागजों में ही क्यों है? देखो, इनके लिए मैं मंत्री नहीं बना, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, इनके लिए हम सब कुछ करेंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं।